हेलो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन एंड वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बिलेज एंड वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन दैट आर कंसर्न टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं गाइज़ क्वेश्चन नंबर एक से बहुत ही रिसेंट एंड बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं आपको रेली really, मतलब मजा आएगा करने में फाइलो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फ़ाइलो जियोग्राफी आपने फाइटो जियोग्राफी का नाम सुना होगा जिसका मीनिंग होता है या जिसका स्टडी डीलिंग होती है कि जो फ्लोरा है जो हमारा प्लांट टाइप्स है उसका पूरे ग्लोबल अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करी जाती है उसे फाइटो जियोग्राफी बोला जाता है बट यहाँ पे जो टर्म है वो फाइलो जियोग्राफी हो इसका मीनिंग होता है एवोल्यूशन में एक आपने टर्म सुना होगा स्पीसीशन दैट मीन्स फार्मेशन ऑफ स्पीसीज मतलब हाउ न्यू स्पीसीज़ फार्म ठीक है इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है डिफरेंट एरियाज ऑफ दी ग्लोब तो उन जो डिफरेंट पैटर्न होता है स्पीसीिएशन का मतलब नई नई स्पीशीज का फार्मेशन कैसे होता है उसकी स्टडी को कहा जाता है फाइलो जियोग्राफी तो करेक्ट आंसर है गाइस बी पैटर्न ऑफ स्पीसीशन एज द एम्बेडेड इन जियोग्राफिका लैंडस्केप डिफरेंट डिफरेंट जो लैंडस्केप है उसमें कैसे करके स्पीशीज का फार्मेशन होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं माइग्रेटरी बर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड नहीं होते जैसे आप सुना होगा इंडिया में साइबेरियन बर्ड्स आते हैं तो साइबेरिया कहाँ है दूसरी कंट्री है ठीक है अब इंडिया में आते हैं एक दूसरी कंट्री है और इन दोनों के बीच में तो बहुत सारी कंट्री को वो क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि साइबेरियन बर्ड्स आपने सुना होगा कि नहीं आया इस बार तो वो ऐसा होता है कभी रूट अपना भटक जाते हैं तो दूसरी कंट्री में मतलब इंडिया के अलावा दूसरी कंट्री में अपना बुक कर लेते हैं तो इस तरीके से एक इंडिया हो गया एक साइबेरिया हो गया कितनी सारी कंट्री को क्रॉस आउट करके यहाँ पर आते हैं तो ये होगा आपके मल्टी नेशनल एक कंट्री नहीं बल्कि कई कंट्री के हैं। तो रिसोर्स इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ मल्टी नेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में डीडीटी एंड सिंथेटिक रबर आपने डीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट सुना होगा कि 1998 के बाद से डीडीटी को इंडिया में बैन कर दिया गया इसी तरीके से दूसरी कंट्री में भी यू के रिकमेंडेशन के आधार पे डी, -डी को बैन कर दिया गया है डी, -डी को बैन क्यों करा गया था क्योंकि इसका जो सीर वैल्यूम होता है मतलब अपना काम तो कर देता है जिस मकसद के लिए हम इसे यूज़ करते हैं मगर उसके बाद कुछ इसमें जो हैवी मेटल्स है जो इसका जो सीर वैल्यूम जिसे बोलते हैं वो बचा रहता है और वो एंटर कर जाता है इन बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की प्रोसेस में जिसका मतलब होता है कि वो कॉन्टिट्यूस का अमाउंट बढ़ता जाता है और वो हमारे जो लास्ट जो मतलब टॉप लेवल के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बाड़ी में जाके कैंसर जैसी बीमारी को काज करता है ठीक है या इससे रिलेटेड दूसरी जो डिजीज होती हैं क्रोनिकल उस तरीके की बीमारी काज करता है तो इसे हमने बंद कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप का बेस्ट होगा इसी तरीके से सिंथेटिक रबर भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट मटेरियल है ठीक है जो मतलब डिग्रेड नहीं होता बाई दी मींस मतलब आप नेचुरल मतलब एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इन द दे नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं केमिकल्स फ़ॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपली ओपन करके बोलें तो पिछला वाला क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन था जैसे डी डी टी वी एग्रीकल्चर में यूज़ करा जाता था म्यूनिपलिटी वाले यूज़ करते थे नगर पालिका के लोग नाली वगैरह में डालते थे जो हमारे सीवेज लाइन होती है उसमें कि जो मॉस्किटोज या डिफरेंट टाइप के दूसरे जो इंसेक्ट्स पैदा हो जाते थे तो उन्हें किल करने के लिए ठीक है उसी तरीके से हमारे जो फील्ड में हो जाते हैं जो हमारे क्रॉप्स के लिए तो केमिकल्स फ़ॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए तो वो कैसे होंगे देखिए सेम वही पैटर्न तो यही वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ट होते हैं ठीक है क्योंकि एग्रीकल्चर में आप देखोगे आजकल पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं हम लोग कर रहे कैंसर जैसी प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ गई हैं तो इसका सबसे मेन रीजन ये आता है कि जो हम आजकल हमारे जो वेजिटेशंस है जो हम आजकल अनाज या जो सब्जियां उगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज करा जा रहा है ठीक है तो पेस्टिसाइड यूज करने के बाद वो वो की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा देता फील्ड की बट उसका कुछ अमाउंट उस सब्जियों के अंदर चला जाता है टिश्यूज में और उसके थ्रू हम लोग उन्हें खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है अब हमारी बॉडी में उसकी कंसेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है जिससे प्रोसेस कहते हैं बायोमेग्निफिकेशन इकोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है वो ठीक है तो इस तरीके से इनका बैन करना जरूरी हो गया था इसलिए कैसे है कि नॉन बायोडिग्रे अगर जो बायडिग्रेडबल होते तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होता भाई जिस काम के लिए डाला वही काम करने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए बट ये खत्म नहीं होते कंटिन्यूस इनकी प्रोसेस बढ़ती जाती है और ये फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव में हम देखते हैं इन विच आ द फॉलोइंग कंसर्ट विद मास्क मेल मुस्क डील देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुस्क डील तीन टाइप की होती है ठीक है अब यहाँ पे कोई टाइप नहीं बताना क्योंकि किस टाइप की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन उस लेवल का नहीं है क्वेश्चन केवल ये कर रहा है मेल मुस्क डील के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है वो हमें यहाँ पर करंट आउट करना है ऑप्शन भी बढ़ती है देखिए जो मेल होता है आप फीमेल और मेल दो होते हैं हर जगह इसमें इसमें भी, भी वही होता है मेल और फीमेल तो जो मेल होता है आपने सुना होगा एक जो मुस्क डीर होता है ठीक है जैसे बोलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है तो वो मेल के अंदर होता है देखिए हैज़ मुस्क सैक अंडर एबडोमिनल स्किन एबडामल वाले पोर्शन में केवल मेल जो प्रजाति होती है मेल वाला जो बंदा होता है इंडिविजुअल्स उसके अंदर मुश्क होता है मुस्क जाफरानी सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा इसमेल होता है उसके बाद कह रहा है कि अबाउट टू हंड्रेड मुस्क मेल वाले हैव टू किल्ड अगर हमें एक किलो मुश्क निकालना है तो हमें लगभग 200 मेल मुस्क डीर को मारना पड़ेगा मतलब उनकी बॉडी से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तब हम जाके वन के जी कलेक्ट कर पाएंगे तो समझिए इसकी कॉस्ट कितनी होगी और कितना कीमती चीज हम उसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हैज वेल डेवलप्ड कैनाइंस प्रोजेक्टिंग ब्लो दी लोअर जॉय मतलब इसके पास वेल डेवलप्ड कैनाइन टीथ होते हैं जो कि इसके लोअर जाके नीचे मतलब डेवलप होते हैं अच्छा ये तो तीन बातें पॉजिटिव थी तीसरा जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है इसके बारे में कि इसमें जो एंटलर्स होते हैं मतलब सींग जो होते हैं वो नहीं होते हैं ये बात बिल्कुल सही है तो ये चारों इंफॉर्मेशन इसके बारे में करेक्ट हैं तो जो आंसर है वो ई ऑप्शन है ऑल ऑफ़ ट्रू स्टेटमेंट कि मुस्कडीर केवल मेल में होता है लगभग एक के करने के लिए हमें टू हंड्रेड मुस्कडीर को किल करना पड़ेगा या उनकी बॉडी से एक्सट्रेड करना पड़ेगा और कैनइन से इनके जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं और इनके पास सिंग नहीं होते मेल के पास सिंग नहीं होते फीमेल में सिंग होते हैं तो एक मेजर डिफरेंस आपको ये क्रिएट होगा कल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है कि मेल में सिंग नहीं होते मतलब एंट्रेंस मेल में नहीं होते फीमेल में होंगे तो ये डिफरेंस है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं दी आप स्प्रिंग्स ऑफ ब्लैक बग ब्लैक बग का जब भी नाम आए तो आपको ध्यान आ जाए सलमान खान का नाम ठीक है ब्लैक बक में वो फस कहते हैं तो ब्लैक बग का जैसे होता नहीं हमारे बच्चों को क्या कहते हैं चाइल्ड कहते हैं स्नैक के बच्चे को कुछ और कहते हैं उनकी जो आप स्प्रिंग्स और जो होती है उन्हें कुछ और कहते हैं हार्स में कुछ और कहते हैं जेनी गधे का जो होता है इसका कुछ उसे कुछ और कहते हैं ठीक है ऐसे हर एक इंडिविजुअल के जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है वो है ब्लैक बक का जो ऑफ स्प्रिंग्स होता है जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उन्हें क्या नाम दिया गया है फान मेयर कोल्ट जैक ये सब किसी ना किसी के नाम है यहाँ पे ठीक है तो हमारा जो कंसर्न है ब्लैक बक से ब्लैक बक का जो ऑफ स्प्रिंग्स होता है जिसका यंग्स होता है उसे बोलते हैं फॉन एस एड एफ ए डब्लू एंड ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने यार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये भी बताएंगे सबको कोल्ट और ये जैक किसके किसके बारे में क्वेश्चन नंबर सेवन में इन में चाली फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बायोडिग्रेडेबल ठीक है उन बायोडिग्रेडेबल क्या बेस्ट ही पूरा क्वेश्चन कर लें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बायोडिग्रेडेबल बेस्ट के बारे में सही नहीं है इट एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम बायोडिग्रेडेबल हैं तो लॉन्ग टाइम तो नहीं करेंगे पहला ही क्वेश्चन गलत समय तो लग रहा है ठीक है दूसरे में इट कैन बी रिसाइकल्ड बायोडिग्रेडेबल डिग्रेड एवलेंट है तो रिसाइकिल्ड तो होंगे क्योंकि बायोडिग्रेड होने के बाद फिर से वो एक जियो केमिकल साइकिल का पार्ट हो जाते हैं इस तरीके से वो साइकिल हो जाते हैं अच्छा सो तो रैपिड टर्न रैपिड रेपिड टर्न का मतलब वो बहुत तेजी से साइकिल हाँ जो डिग्रेड होगा बहुत तेजी से मतलब फिर से उसी फार्म में आएगा फिर प्लांट के अंदर जाएगा फिर रूट फिर हम प्लांट को फिट करेंगे फिर हमारी डेथ होने के बाद फिर साली में पहुंच जाएगा इसका मतलब कि वो रैपिड टर्न है ये अच्छा पार्ट ऑफ बायोजिकेमिकल साइकिल ये सब कुछ पॉसिबल बायोजिकेमिकल साइकिल के बारे में होता है सपोज कर ले हम फास्फोरस की बात कर लेते हैं फास्फोरस कहाँ पर होता है सॉइल में होता है तो एक प्लांट लेते हैं प्लांट की रूट्स हैं ये ठीक है ये सॉइल के अंदर फास्फोरस है पी ओ फोर के फॉर्म में इसे प्लांट एब्बॉर्ब कर रहा है और इस प्लांट में फ्रूट्स आ रहे हैं या इसके लीव्स आ रही हैं वेजिटेबल्स आ रही हमने इन्हें फीड कर लिया किसने फीड कर लिया ह्यूमन बींग ने और ह्यूमन बींग की डेथ के बाद वो कहाँ चला गया जमीन के अंदर दफना दिया जाता है उसे ठीक है या उसके बॉडी को एयर में चला जाता जलाने के बाद तो ये फिर क्या हुआ साइकिल बन गई जो कि मुगल साइकिल्स ठीक है तो जो कि मुल साइकिल्स के थ्रू ही आपका रैपिड टर्न ओवर पॉसिबल है ठीक है और इसी को रिसाइकल्ड बोलते हैं बाजी के साइकिल्स और लॉन्ग टर्म तक ये नहीं रहेगा ये गलत हो गया यहाँ पे नाट ट्रू स्टेटमेंट जो है वो ये वाला है जो नहीं सही है मतलब गलत है इसके बारे में बायोडिग्रेडेबल जो बेस्ट होते हैं वो साइकिल्ड हो सकते हैं रैपिड टर्न ओवर्स हो करते हैं और पार्ट ऑफ बायोजक्यूमेटल साइकिल का पार्ट भी होते हैं ठीक है और बहुत कम टाइम के लिए नेचर में रहते हैं जैसे वो बेस्ट मटेरियल है एकदम अपना डिसोसिएट हो जाते हैं और फिर से बायोक्यूमेटल साइकिल के पार्ट बन जाते हैं ठीक है तो शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है आपका ए ठीक क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं देखिए बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है अपने आप में ये इन बी जब फॉलो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें भी फॉल्स पूछा गलत कौन सा है पहले आपको सही पता हो तभी तो गलत करोगे कि आई आर एफ ठीक है इंटरनेशनल राइनो राहनो एक एनिमल होता है जैसे राहनो सरास हम बोलते हैं उसी को कहते हैं राइनो सिंगल में इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ये क्या करता है सपोर्ट करता है रिसर्च टू प्रोपेगेशन रीअरेंजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल राइनो स्पीसीज इन कैप्टिविटी या फिर अंडर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन द वाइल्ड ठीक है मतलब एक्सीटू और इन सीटों में जो राइनो रखे गए हैं उन्हें फंडिंग करता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है आईआरएफ जो राहनों के कल्टीवेशन और उसके मतलब सॉरी <coughs> उसके रीअरेंजमेंट कंजर्वेशन पे ये मतलब प्रमोट करता है दूसरा में कह रहा है पी एच बी ए पॉपुलेशन एंड हैबिटेट वायबलिटी एनालिसिस एक वर्कशॉप हुई थी जो कहाँ हुई थी जलाद पारा सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है इस सेंचुरी में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉन्फ्रेंस मतलब वर्कशॉप हुई थी जिसको कहते हैं पी एच बी ए पॉपुलेशन एंड हैबिटेट वायबलिटी एनालिसिस ठीक है चलिए देखते हैं आगे इसे पता चलेगा क्या गलत है क्या दी सॉरी हम टिक नहीं करना चाहिए अभी क्योंकि दाल एलिफेंट जो होते हैं टाल ता, एलिफेंट ग्रास एक एलिफेंट ग्रास होती है जैसे बिच्छू ग्रास होती है कैसी एलिफेंट ग्रास होती है बहुत बड़ी होती है काजीरंगा जो आसाम का नेशनल पार्क है वहां पे वो वंडरफुल सेल्टर प्रोवाइड करती है राइनो उस राइनो उसी घास में मतलब अपने को मतलब रहते हैं उसी के अंदर छिप जाते हैं या उनका जो हैबिटेट भी वही है इसके बाद कह रहा है ए फुल्ली ग्रोन राइनो वेट दो हज़ार किलोग्राम मतलब दो हज़ार किलोग्राम जो है एक राइनों का वेट होता है ये बात भी सही है तो इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसमें तो क्वेश्चन ही गलत हो गया मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है ही नहीं ठीक है तो इसका आंसर या तो आप ये कर लें यहाँ पर चेंज कर लें कि यहाँ पर नन आप दिए वो आलाप देना बोले नन आप दिए इसमें से कोई भी मतलब गलत फॉल्स स्टेटमेंट है ही नहीं सब कुछ सही है या फिर क्वेश्चन को ठीक कर लें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू ना बल्कि ट्रू स्टेटमेंट तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो आपके सब ट्रू हैं जो भी बात लिखेंगे एक राइनो का वेट 2000 किलोग्राम होता है और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें जो एलिफेंट ग्रास होती हैं वो राइनो के लिए सेल्टर का, का काम करती हैं और पी ए, जो एक मतलब वर्कशॉप थी जिसमें हैबिटेट वायबिलिटी एनालिसिस करी गई थी वो जलाद पराग जो सेंचुरी है वेस्ट बंगाल वहाँ पे आयोजित आयोजित हुई थी ठीक है तो ये सब स्टेटमेंट और आईआरएफ जो है वो राइनो के सपोर्ट उनके कंजर्वेशन उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल का ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन में देखते हैं इन विच फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट दी काका रहा ग्रास लैंड देखिए काका रहा ग्रास लैंड है बहुत फेमस है कहाँ ये ये दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में वहाँ पे एक ग्रास लैंड है उस ग्रास लैंड की खासियत क्या है कि उसमें एक प्रोजेक्ट मतलब उस ग्रास लैंड को चुना गया है किसके लिए एक प्रोजेक्ट ऑफ राहनो रीहेबिलिटेशन जो कि नाइनटीन में मतलब स्टार्ट हुआ था उसमें दुधवा टाइगर रिजर्व में एक फील्ड है सॉरी दुधवा टाइगर रिजर्व में एक फील्ड है जैसे बोलते हैं ककरा ग्रास लैंड उसे सिलेक्ट करा कि यहाँ पर राइनो ला रखी जाएंगे कहाँ से आसाम से दूसरी जगह जहाँ पर राहनो सरास हैं अच्छा यू एन आई यू सी एन एंड एस एस सी एस राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप जिसे बोलते हैं एस ASR... आर

नेशनल पार्क है दुधवा टाइगर रिजर्व और ये कहाँ उत्तर प्रदेश में है ये भी क्वेश्चन नंबर क्लियर हो है उत्तर प्रदेश का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ठीक है और इसे सपोर्ट कितने करा था एशियन राइनो स्पेशलिस्ट ग्रुप ठीक है और इसमें उनके रीहेबिलिटेशन का मतलब हुआ कि उनके लिए एक नया स्थान एक न्यू हैबिटेट का सिलेक्शन किया था ठीक है कि वो यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे तो करेक्ट आंसर है गाइज डी सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एक्टिव प्रोटेक्टेड एरिया फॉर घड़ियाल घड़ियाल जैसे मतलब नाकाओ का हिंदी में बोलते हैं हम लोग तो वही घड़ियाल उसके लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया जो बना क्योंकि वो भी एक आज के समय इंडेंजर्ड स्पीसी है तो उसके लिए नए नए मतलब एरिया सर्च कर जाते हैं कहाँ अपने प्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया है तो देखिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन से ये आपको दो तरीके का क्वेश्चन रहे हैं एक तो इनके तरीके इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा दूसरा ये मिलेगा कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ न्यू हो सकता है आपको ना पता हो इससे पहले वो भी क्लियर हो जाएगा जैसे सटकोसिया जार्ज सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है उड़ीसा में और केन एंड सोन सन या जो भी पढ़ते हैं सो सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है मध्य प्रदेश दोनों इन और इसी बहुत नेशनल चंबल एंड कतरनिया घाट सेंचुरी उत्तर प्रदेश और कार्बेट नेशनल पार्क कार्बेट नेशनल पार्क ये एम पी ने यू पी है सब यूपी के जितने भी हैं सब यूपी के हैं देखिए इसलिए हमने कराया ये गलत हो गया यहाँ पर जे भी यूपी में कार्बेट नेशनल पार्क और कतरनिया घाट सेंचुरी भी यूपी में इसी दुधबा टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है ये ठीक है बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है लखीमपुर और बहराइच दोनों में आता है इसके ऊपर और नेशनल चंबल तो ये तीन साइटें तीन का मतलब हुआ बल्कि ये आपकी कई साइटें ये एक दो तो, तीन चार पाँच और सिक्स ये सिक्स प्लेसेज जो है हैं एक्टिव प्रोटेक्टेड एरिया फॉर घड़ियाल सिलेक्ट करे गए हैं बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ठीक है कि जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब जहाँ पे घड़ियाल को कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सके उनकी रेयरिंग और ब्रीडिंग आसानी से हैंडल करा जा सके तो ऑल ऑफ करेक्ट तो इन प्लेसेस ध्यान रखिए यहाँ पे ये मतलब घड़ियाल के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज का काम करते हैं जैसे सोन सटकोसिया या जॉर्ज सेंचुरी उड़ीसा में केन एंड सोन इन मध्य प्रदेश में नेशनल चंबल एंड घाट सेंचुरी उत्तर प्रदेश की एंड कारबेट नेशनल पार्क आज सो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में सॉरी हो गया भाई मतलब यूपी में नहीं रहा अभी उत्तराखंड में चला गया वैसे यूपी का पार्ट था ठीक है बिफोर डिवाइडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इन बीच आदि फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी ब्लैक बक देखिए फिर ब्लैक बक क्वेश्चन आ गया इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक बक से क्वेश्चन हमेशा रहता है इसकी नेचर की बात कर रहा है कैसा हो ग्री गरी, -गरी मतलब ग्रुप में झुंड में रहते हैं सही की बात है ऑनली फाउंडेन देलावदर नेशनल पार्क इन गुजरात एक क्वेश्चन आपका क्लियर ये हुआ कि बेलावदर नेशनल पार्क कहाँ पे गुजरात में स्पेसिफाइड फॉर ब्लैक बक ठीक है ये बात भी सही है बीसाइड नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक एक्सीसिव रेन एंड ड्रॉट मतलब जो ड्रॉट सूखा पड़ना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होना तो इसे प्रॉब्लम क्रिएट करते ही है ब्लैक बग के लिए मगर इसके अलावा जो हम लोग हैं मतलब ह्यूमन बींग जो पॉइचर होते हैं शिकारी ग्रेटेस्ट टॉर्मेंटर है इसके को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है ह्यूमन बींग्स किस लिए बाई ग्रोइंग करॉप्स इंदर इनके जो हैबिटेट थे जहाँ पे रहता था उन्होंने वहाँ उन पे क्या करना खेती करना शुरू कर दी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दी इसलिए इसकी जो हैबिटेट थे वो खत्म हो गए और आज ये जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में चला गया है तो ये जितनी बातें हैं इसके बारे में सही है कि इसकी नेचर कैसी होती है ग्रिकोरियज मतलब ग्रुप में रहता है और गुजरात का जो बेलावादार नेशनल पार्क है वो इसके लिए मतलब बहुत ही स्पेसिफिक हैबिटेट है और एक्सेसिव ड्रॉट एंड ड्रेन के अलावा ह्यूमन बींग्स भी इसके लिए बहुत मतलब मेजर है जिसने इसके हैबिटेट को साफ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया तो सभी फैक्टर सही है ठीक है ध्यान रखना है इसे देखिए हमने आपने बता सलमान खान का नाम ब्लैक बॉक्स जोड़ा सलमान खान ने स्वीटिंग कर रहे थे राजस्थान में जयपुर में मारा था उन्होंने जोधपुर में ठीक है तो गुजरात जो है राजस्थान से लगा हुआ है तो इसका जो नेशनल पार्क है जहाँ पे ये रखे गए हैं वो बेला बदर गुजरात में ये ध्यान रखना कन्फ्यूज़ नहीं होना है उन्होंने जो घटना हैपिन करी थी जो सलमान खान ने वो करी थी राजस्थान में जोधपुर में ठीक है जबकि ये कहाँ रखेंगे गुजरात में क्योंकि नेबरिंग स्टेट है तो वहाँ पर इनका दोनों जगह पाए जाते हैं मगर वो जो हैपनिंग की बात कर रहा हूँ वो गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में हुई थी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैचिंग टाइप का है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कम्प्लीटली उत्तर प्रदेश के बारे में है तो उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम से होते हैं उनके लिए स्पेशली इस पर पे ध्यान रखना है आपको देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है पीएमटी के नीट के कोई एग्जाम में मैचिंग टाइप क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है इंडिया का इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन आना बहुत बड़ा वो नहीं है कि नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहे ठीक है ये नेशनल लेवल के एग्जाम में भी आ सकते हैं जैसे कि इन बिच हमारा उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है स्टेट बर्ड कौन सा स्टेट फ्लावर कौन सा स्टेट ट्री कौन सा अभी स्टेट ट्री तो मैं दो दिन पहले लेक्चर में बता चुका था स्टेट ट्री कौन है आपका जो आपका सोरिया रोबस्टा होता है वही स्टेट ट्री जिसे हम साल बोलते हैं इंडियन डामर बोलते हैं हमने बताया था फैमिली डिप्टोरोपेसी का, का मेंबर है ये अच्छा तो इसके डी सही हो गया ठीक है और जो स्टेट एनिमल है वो आपका है लियो ठीक है पैंथेरा पार्ड बोलते हैं और स्टेट बर्ड जो है सारस क्रेन ठीक है और स्टेट फ्लावर कौन सा रहेगा आपका ब्रह्मा कमल तो इस तरीके से आप ऑप्शन ए इस करेक्ट है ध्यान रखना है ब्रहमा कमल हमारा स्टेट फ्लावर है ठीक है कमल तो नेशनल लेवल का है मगर हमारा जो है वो स्टेट का उत्तर प्रदेश का ब्रह्मा कमल है इन बीच अभी फॉलोइ ट्रू अबाउट दी नॉन बायोडिग्रेडेबल फिर देखिए नेचुरल रिसोर्स पर आगे लौट के अब नॉन बायोडिग्रेड के बारे में ट्रू क्या बात है ये कैन नॉट बी रिसाइकल्ड बिल्कुल अगर रिसाइकिल्ड होते तो नॉन बायोडिगेबल क्यों होते ये है ना दे कैन ब फर्दर यूज बाई आफ्टर रिसाइकलिंग हर इन्हें रिसाइकलिंग करके ही हम इनसे मतलब कुछ खत तक इन्हें अपना कंट्रोल कर सकते हैं कि रिसाइकलिंग कर लो इनकी हाँ बायोडिग्रेबल नहीं है ये मोस्ट ऑफ़ द नॉन बायो डिग्रेडेबल बेस्ट नेवर रिटर्न टू जियो केमिकल साइकिल बिल्कुल सही बात है वो क्यों लौटेंगे अगर वो, वो साइकिल में लौट तो बायो होने के बाद ही लौटते और बायो है ही तो ये भी सही है तो ऑल ऑफ दही सभी बातें सही है इनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन सिंगल है कि नंदन कानन बायोलॉजिकल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहाँ पे लोकेटेड है ये उड़ीसा में लोकेटेड है ठीक है उड़ीसा के क्वेश्चन बहुत है आज नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन रहते हैं वाट इट ट्रू अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में क्या बात सही देखिए ये, ये कहाँ रहता सौराश्ट. सौराश्ट है इट फाउंड इन दी सौराष्ट्र सौराष्ट्र कहाँ जो गुजरात स्टेट और राजस्थान का जो नेबर एरिया है गुजरात वाला पार्ट जहाँ पे जैसे भरतपुर यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है ऐसे सौराष्ट्र जो है आपका राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है एंड राजस्थान पूरी तरीके राजस्थान और सौराष्ट्र आप गुजरात इन जगहों पर ये पाया जाता है अच्छा इट इज लार्जर देन बल्चर थोड़ा बल्चर से बड़ा होता है और सब कुछ खाता है ओमली होता है मतलब वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेबल दोनों खा लेता है इट हेड एंड विल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखिए इसका जो सिर और इसकी जो चोच होती है ठीक है वो आपस में इस तरीके से अरेंज होती है कि वो फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल पे ठीक है तो ये सभी बातें से ऑल ऑफ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम सब एनिमल के बारे में एक एक क्वेश्चन आपको बनाया और मैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ वट इज़ ट्रू अबाउट द रेड जंगल फॉल एक एनिमल होता है जैसे गैलेस गैल्स का जुलॉजिकल नेम होता है ठीक है जंगल फॉल इनके बारे में देखिए कहाँ पाया जाता है ईस्टर्न आसाम एंड गोदावरी रिवर एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश मतलब आसाम और मध्य प्रदेश में ये पाया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट इट इनावेड फाउंड ऑफ लेंटेना लेंटेना का जो मतलब लेंटेना जो एक बीट्स होता है उसकी उसके जो झमाड़ उसका जो मतलब पूरा जंगल सा बना लेता है उसमें ये नॉर्मली मतलब रहता है इसकी फाउंड में इट इज बेरिस बहुत शर्मीला होता है इट हैज हाइस्ट लेवल इंटीमेशन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द माइन एंड हाइस्ट लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू माइन वेलफेयर दोनों बात इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो इंटीमेट रिलेशन ह्यूमन बींग के साथ कोई बनाता है तो वो ये एनिमल बनाता है मतलब बना ये बर्ड बनाता है और सबसे ज्यादा जो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करता है वेलफेयर के लिए वो भी यही करता है सभी भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो भी बातें हैं स्टेटमेंट तीनों सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इन विच अभी फॉलो यू ट्रू अबाउट द इंडियन एलिफेंट हमारा जो भारतीय हाथी होता है उसका के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि वो जो हैंगिंग ट्रक होता है उसका जो ट्रंक वाला पार्ट होता है उठा हुआ बीच में एकदम उठा हुआ है ऊट का उठा बहुत उठा होता है हाथी का भी उठा होता है ठीक है अच्छा उसके जो दांत होते हैं कुरियर डेंटेशन उसके दांत देखने के बच्चे खुश होते हैं बड़े जो आगे निकलते हैं टास्क ठीक है और उसका एक बड़ा साइज ये तीनों फ़ीचर्स मिला के उसे दूसरे जंगली एनिमल से अलग बनाते हैं बिल्कुल सही बात है उसका उठाओ पार्ट उसका टास्क निकले हुए और उसका जो साइज़ इतना भारी है वो उसे सबसे अलग बनाता है अच्छा मगर अफ्रीकन हाथी से हमारा इंडियन हाथी थोड़ा छोटा होता है ये ध्यान रखना है अफ्रीकन हाथी का नाम क्या देखिए लोग जो डोंटा अफ्रीकाना एंड स्मॉलर इस्मेस और कान भी छोटे होते हैं हाथ पूरा साइज़ भी छोटा होता है उसी हिसाब से रेशियो में कान भी छोटे होते हैं अफ्रीकन हाथी बड़ा होता है कहने का मतलब ये अच्छा हमारे जो मैक्सिमम हाथी कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में केरला में और वाटर लविंग होते हैं आपने देखो हमेशा जो हम डिस्कवरी देखते हैं तो हमें हाथी जो है पानी में हमें देखते हैं ठीक है रिवर्स वगैरह में तो इस आ, सब बातें सही है ठीक है केरला में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा और वाटर लविंग होते हैं और अफ्रीकन हाथी साइज़ में और कान दोनों में छोटा होता है और तीन फीचर्स इसके जो इसकी हैंगिंग ट्रंक और क्यूरियस डेंटेशन जो, जो टस्क एंड ग्रेट साइज मेक डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वाइल्ड एनिमल्स ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब ध्यान रखें कल को क्वेश्चन इससे मिलते जुलते या इन चीज़ों से आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि आपको कितना आता है एग्जाम में अच्छा अब कुछ प्रोजेक्ट की बात करते हैं एक प्रोजेक्ट पे पूरा अलग से वीडियो बनाना चाह रहा हूँ गिर लाइन सेंचुरी प्रोजेक्ट लाइन के बारे में जो प्रोजेक्ट था गिर लाइन सेंचुरी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था आपको ये बताना है किलैन सेंचुरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1972 बहुत ध्यान रखना है देखिए सबसे ज़्यादा बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता है कब है नाइनटीन में तो उससे ध्यान रख लें ठीक है ये कब होता है 1972 में हाथी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं 72 और जो टाइगर उसके लिए आपका 73 में हुआ था ठीक है अब हम क्वेश्चन 19 में बात करेंगे इनमें ज्यादा फॉल होगी ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एशियाटिक लाइन अब देखिए सबके बारे में बात आ रही है अब लाइन के बारे में बात करेंगे एसियाटिक लाइन के बारे में अभी गिर लाइन था एसियाटिक लाइन के बारे में इसका जोलॉजिकल नेम होता है लियो पर्सिका जिसे इंडियन लाइन बोलते हैं अच्छा इंडियन लाइन की जो टेल बिगड़ उसकी जो टेल पूछ होती है उस पर जो बालों का गुच्छा होता है हेयर का वो ज्यादा मतलब टफ्ट जो है बड़ा होता है और मोर हेयर ऑन आनली आईब्रो इसकी जो आंखों के आईब्रो पर जो बाल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एक जी डिफरेंट बात है दूसरी जगह पे एंटी लाइन जो होता है वो दो सौ पचास से दो सताईस टू टू फोर्टी टू एटी सेवन इस मतलब सेंटीमीटर है यहाँ पे देखिए और अफ्रीकन लाइन कितना होता है तीन सौ अफ्रीकन लाइन देखिए अफ्रीकन हाथी बड़ा है अफ्रीकन शेर भी बढ़ा हम लोगों से तो बोलो हम छोटे हैं अफ्रीकन लोग भी बड़े होते हैं हम लोगों से ठीक है तो हम हम उनसे हाइट में भी छोटे होते हैं ए फुल ग्रोन लाइन वेट फिर हम कितना होता है दो सौ से ढाई सौ किलोग्राम का होता है और एक चार साल का जो इनका लाइन होता है ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं अडल्ट एंड वो गिव बर्थ टू और थ्री एट ए टाइम एक बार में दो या तीन बच्चे दे सकता है ये सभी इन्फॉर्मेशन ठीक तो है तो करेक्ट आंसर आपका यही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है देखिए इसे अब वो कंट्राडक्ट्री नहीं बना बल्कि सिमिलर ट्रेंड की लाइन और हमारा हाथी दोनों हम अफ्रीका से छोटे होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोड़े? ये बार बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एग्जाम्स में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दी थामिन डीर ये देखिए वो मुश्किल डीर था एक थामिन डीर है दूसरा है ये डिफरेंट चीज़ें इट फाउंड इन केवल जियो लेम नेशनल पार्क मनीपुर एक बहुत अपने अलग टाइप का एक मतलब फ्लोटिंग टाइप का नेशनल पार्क है इंडिया में एक अपना मतलब सिंगल टाइप है, है? केवल लेम जियो नेशनल पार्क ठीक है ये वहाँ पे पाई जाती है खे? ठीक है दूसरा इसे ब्रो एंटल डीर भी एक कॉमन नेम है इसका कहा जाता है एक बार ये बात आई थी कि एक्टिंट होगा, 1951 में क्लियर हो गया कि यह खत्म हो गया बट बाद में क्या हुआ जो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसने 52 में और जो जो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने 1979 में ये बात क्लियर करी कि नहीं ये एक्सीडेंट नहीं हुआ ये अभी है और रियलमी ये है आज भी ठीक है तो ये बातें बिल्कुल सही हैं ये कहाँ पाई जाती है मणिपुर के एक जो जो लैमजो नेशनल पार्क के वहाँ पाई जाती है ब्रो एंटलर टलर से बोला जाता है और इसके बारे में जो कन्फ्यूजन था ये कि नाइनटीन सेवेंटी में पता चला कि खत्म हो गई बाद में दो बार दो एजेंसीज हमारी इंडियन गवर्नमेंट की कह रही है कि नहीं ये खत्म नहीं हुआ अभी है ठीक है तो ऑल ऑफ दज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये अपने आप में पूरे एनिमल के बारे में क्वेश्चन नहीं है सब बार एटरी वॉर्ड द पिगमी होग आर जैसे सस सलवान सलवानियस बोलते हैं अब इसे केवल आप इससे नाम ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट नाम है इसका पिगमी होग ठीक है इट इज साई एंड टिमिड एनिमल ठीक है बहुत सर और छुपने वाला एनिमल होता है फाउंड इन तराई बेल्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय में कौन आता है नॉर्थ हिमालय तो हम लोग आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हमारे पलबीत तो और उत्तराखंड वगैरह वाले और ईस्टर्न हिमालय में आपके आएंगे भूटान एंड वेस्टर्न आश्रम का पार्ट ठीक है ये यहाँ पाया जाता है आपने इसे पहले भी घूमिया हो देखा होगा थोड़ा सा मतलब जो होता नहीं पिक पिक के नेशनल का होता है उससे इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ पिक पिक की कैटेगरी को होता है छोटा सा पिक एंड प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन जो सेवन है ना उसके थ्रू इसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया मगर ये प्रोटेक्शन लेता नहीं है अच्छा उसके बाद कह रहा है कि एट्टी परसेंट जो इस तरीके के इसके जो रहने की जगह थी वो कौन थी बरंडी रीजन ये ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बरंडी रीजन वो जो है जल हैं मतलब उन्होंने लोगों ने आग लगा दी और उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लिया उन पर ग्रास होगा ये ठीक है इस वजह से ये इसे प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है और ये एक्सटिंक्ट हो गए ठीक है तो आल आप इस करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में देखते हैं ये किसके बारे में ये अब बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इस आते भी हंगुल कश्मीर स्टैक जिसे बोलते हैं हंगुल एक टाइप ये भी एक टाइप की डी होती है देखिए इट लिमिटेड टू ये कहाँ पाई जाएगी डच्ची गाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कश्मीर की है वहाँ पाई जाएगी कश्मीर से लगा हुआ कौन है हिमाचल प्रदेश तो वहाँ का है हिमाचल प्रदेश का है आ, गमुल गमगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा डिस्ट्रिक्ट आप हिमाचल प्रदेश तो इन जगहों पर पाई जाती है स्पेशली कश्मीर में पाई जाती है जो डीगाम नेशनल पार्क है मगर हिमाचल में भी पाई जाती है यह कामलिक क्या बोलते हैं कश्मीर स्टेज एंड लिव ऑनली या फिर ग्रुप ऑफ टू एट एटीन के मतलब अठारह तक के ग्रुप में पाई जाती है जनरली आप ध्यान रखें इसे कामन नेम कश्मीरी स्टैक अट इट विद दी फाइन स्प्रेडिंग अंटल इसके मतलब जो वो होते हैं सिंग बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ब्रांचिंग होती है स्प्रेडिंग का मतलब एंड ऑल ऑफ दू बात सब तीनों बातें सही हैं कि स्प्रेडिंग अंटल्स होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के जो गंगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें पाई जाती है और डीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर में पाई जाती है और कॉमनली नोन है कश्मीर स्टैक ये सभी बातें क्लियर है अबाउट दी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री में हम देखते हैं कि उसी के बारे में बात करते हैं इसके बारे में एक बात और रह गई ऊपर देखिए इन विच आ दॉलोइंग एनिमल हैज बिन गिवन ए प्लेस ऑन दी सर्वाइवल कमीशन ऑफ रेड डाटा बुक ऑफ आई में किस एनिमल को जगह दी गई थी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंगुल को ही जगह मिली थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दी प्रोजेक्ट हंगुल कब स्टार्ट हुआ था अपने आप में ये भी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है ठीक है अपने आप में इस... 1970 में ठीक है मैं भी प्रोजेक्ट पे एक नया क्वेश्चन एक पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ कितने आठ दस प्रोजेक्ट है उन्हें ध्यान रखें एक आज क्वेश्चन प्रोजेक्ट से रहता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया लाइन प्रोजेक्ट कब है हंगुल प्रोजेक्ट कब है कोर्कोडाइल प्रोजेक्ट कब है ठीक है अभी हम बात करेंगे इस पर नेक्स्ट वीडियो में अपने अच्छा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी में एक आपने क्वेश्चन सुना होगा अक्सर एग्जाम में नाम आपको बॉट निकलने में उसकी फैमिली पूछी जाती है ओक का प्लांट ओ ए के ठीक है ओक का प्लांट इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है इसके कमर्शियल यूजेस क्या होते हैं जब आप सेल बायोलॉजी पढ़ते हो उसमें सबसे पहले जो आपने देखा होगा जो रॉबर्ट ठुक ने सेल देखी थी वो किस तरीके से उन्हें कंपेयर करा था उसमें भी इस प्लांट का नाम आता है तो आपको यहाँ पर बस ये क्लियर करना है कि ये बिर्च आपने देखा होगा एक मूवी देखी होगी तुम बिन उसमें कुछ प्लांट दिखाए जाते हैं बहुत खूबसूरत से येलोज कलर के पूरे जैसे घर के इंडिया में होते हैं ना कि ग्रीन टाइप के दिखते हैं वो पूरा ओलिस कलर का प्लांट दिखता है तो उसे बिरच के प्लांट होते हैं ठीक है बताएंगे उसमें कभी आगे वीडियो दिखाएंगे उसका एवरग्रीन ओक भहन एंड कस्तूर चारा ये कुछ प्लांट हैं बहुत ही कॉमन होते हैं इनके नाम ध्यान रखना देखिए दो नाम आए ओक अब इसमें देखना है कि जीनस सेम रहेगा स्पीसीज चेंज हो जाएगी पहले इसी को देख लेते हैं ये ऑप्शन में बता रहा हूँ आपका क्लियर है ए ठीक है और ए का है टू का ए है और थ्री का बी है तो टू का ए का मतलब हुआ कि क्वेर्कस सेमी कार्पिफोलिया देखिए एवर गरी को बोलते हैं क्वेर्कस सेमी कार्पिफोलिया और जो भनजोक है उसे बोलते हैं क्वर्कस इनकैना ठीक है इसे देख लें तो आपने देखा क्योरिकस दोनों में काम बन रहा ठीक है अब हम कस्तूर चारा इसका नाम है सिकमिया लरी ठीक है लेरेला और बचा हुआ आपका ब्रिज ब्रिज को बोलते हैं बिटूलिया यूटिलस बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन रहता है बिटूलिया पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आप गेट के एग्जाम में देखेंगे तो बिटूलिया यूटिलस ये एक प्लांट होता है ठीक है तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए इसी के साथ आज वीडियो कम्प्लीट होता है और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू वेरी मच